अपनी जमीन अपना मकान दिल्ली NCCR पलवन में। इस सोसाइटी में स्विमिंग पूल, पार्क क्लब, CCTV गार्ड और भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख तक की छूट और लोन की भी सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी संपर्क करें 8880472406 पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एक कोविड मरीज रात 11 बजे सदर अस्पताल सासाराम पहुंचा तो अस्पताल के कर्मियों द्वारा उसे एडमिट नहीं किया गया। कर्मियों ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इसलिए हम भर्ती नहीं लेंगे। तो आइए हम सुनते हैं आखिर स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनको क्या कहा गया। फिर हम जब क्या घटना हुआ आपके साथ? हमारे साथ घटना हुआ सर, हम सदर अस्पताल में आए तो यहाँ चेक करवाएँ तो यहाँ निगेटिव निकला। तो यहाँ से फिर हम जब CT स्कैन करवाएँ तो वहाँ पॉजिटिव निकला है। तो यहाँ पर हमको इन लोग भर्ती नहीं ले रहा है, कह रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। और जब हम वहाँ गए नारायणी में तो वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है, कहा कि सदर अस्पताल ले जाइए, ये करें वहाँ ले जाइए। और ये हम लोग को भगा दिए। हमारा मरीज सांस ले रहा है, उसको ऑक्सीजन की सख्त से सख्त ज़रूरी है, लेकिन यहाँ कोई सुन नहीं रहा है। आगे हम क्या करें, बहुत परेशान हैं। हमारा मरीज को बचाना सर, किसी तरह हमारे मरीज को बचा लिया जाए। तो वहाँ बोला कि DM का आदेश नहीं है, से यहाँ पर हम लोग भर्ती नहीं लेंगे। और यहाँ आए तो यहाँ भी हम लोग को पल्ला झाड़ दिया कि ऑक्सीजन नहीं है सदर अस्पताल में। बोलिए। हाँ, पेशेंट का नाम है प्रतिभा सिन्हा, मोहल्ला दलेलगंज, सासाराम। इस संबंध में जब रोहतास जिला सिविल सर्जन से बात किया गया तो उन्होंने सदर अस्पताल उपाधीक्षक से संपर्क करने को कहा। जब सदर अस्पताल उपाधीक्षक से संपर्क करने की कोशिश किया गया तो नंबर बंद आया। आखिर सुशासन बाबू की नींद कब टूटेगी? लोग उनके सरकारी अधिकारियों को खोजते हैं तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बराबर आता है। वैसे में सुशासन बाबू की नींद कब टूटेगी, अब देखना यह है कि इस पर क्या होता है। हालांकि रोहतास जिले से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और बड़ी लापरवाही का अक्सर खबर आता ही रहता है। टाइम फैक्ट्स न्यूज के लिए रोहतास से राहुल मिश्रा की ये रिपोर्ट। पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।